बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज की इस वीडियो देखने वाले हैं, बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है जो एक जून को कह सकते हैं कि एक जून को आपके पास एक अपडेट आई थी जो एमजेपी आर्य रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के स्टूडेंट है उनके सबसे बड़ी अपडेट ये है। देखो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट भी उन्होंने ईमेल आईडी भी दे रखा है और फोन नंबर भी दे रखा है, यदि आपको कोई अधिक जानकारी चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये जो आरईटी का जो प्रवेश परीक्षा है, ठीक है, वो स्टार्टिंग हो रही है और कब से कब तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ और कौन कौन से जो जिला के स्टूडेंट हैं वो यहाँ फिल करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, पूरी सूचना यहाँ दी जाएगी, लास्ट तक वीडियो बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर अपलोड करते हैं, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बोला गया है, देखो समस्त विद्यार्थी जो स्टूडेंट है उनको सूचित किया जा रहा है कि शोध प्रवेश परीक्षा जो है जिसे हम आरईटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरईटी। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है दिनांक 18 जून 2022 को क्या है, 18 जून 2022 को बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ एवं दिल्ली, ठीक है, और जो एनसीआर है केंद्र पर प्रस्तावित होगी। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं आरईटी की परीक्षा 18 जून को होने वाली है, बरेली में होगी, मुरादाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में, दिल्ली में। ठीक है, जो एनसीआर केंद्र है उन पर यह चीज क्या होगी, होने वाली है, प्रस्तावित होने वाली है। शोध प्रवेश परीक्षा का विस्तृत वितरण बाद में अपलोड किया जाएगा, भाई कौन कौन क्या मतलब कौन पास हुआ उसका बाद में वितरण होगा। लेकिन साथ ही यहां बोला गया ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक प्रवेश परीक्षा में मतलब शोध प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, जिनने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है वो छात्र अभी आवेदन कर सकते हैं और वेबसाइट दोबारा से खुल रही है और लगभग इसकी फीस 600 रुपए प्लस होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होती है, आप देख लेना कितनी है। ठीक है, यहाँ बोला गया है 2/6/2022 से 9/6/2022 तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन बोर्ड नंबर द्वारा आवेदन कर सकते हैं। मतलब कहा गया है कि आप 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं, 2 जून से स्टार्ट हो गई, मतलब कल से आज से स्टार्ट हो गया है और 2 जून तक चलेगा, 9 जून तक चलेगा आप क्लियर करके। यदि आप इसमें आरईटी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, शोध प्रवेश परीक्षा, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है समस्त अभ्यर्थियों को, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अपना कहाँ से ये ऑनलाइन करेंगे, तो वेबसाइट यहाँ दे रखी है www.mjpru.ac.in, देखते रहें तो इस पर आपको बताया जाएगा, पूरा निर्देशालय दिया जाता रहा है, आप इस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको जब भी कोई अपडेट आती है आप देखना चाहते हैं, मैं खुद से अपडेट देखूँ, तो आपको क्या करना होगा, एक क्रोम में जाना होगा, क्रोम ब्राउजर में सबसे पहले आपको एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वेबसाइट का लिंक है paperhacker.in, ये वेबसाइट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस तरीके से जाएंगे और होम पेज पे चले जाना, होम पेज लिखा होगा और आपका इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी, आप देख रहे हैं ये पूरा पेपर हैकर जो एप्लीकेशन सारे हमारे यहाँ मिल जाएंगे, चैनल यहाँ देखो, फेसबुक पेज वगैरह, इंस्टाग्राम से यहाँ फॉलो करेंगे आप सभी लोग, यहाँ जितने हमारे चैनल हैं यूट्यूब पर वो सारे चैनल यहाँ देखो चल रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि आल नोट्स डाउनलोड, यहाँ से नोट डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पर जा सकते हैं, आल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ जो नोट्स कंपलसरी होता है BA BSc BCOM के लिए वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर BA BSc BCOM MMSc MCOM कर रहा है यहाँ से सब नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आर्मी एंट्रेंस एग्जाम BED के लिए, DLED के लिए, यूपी पुलिस के लिए, नेपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट PDF आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा यूपी की आल यूनिवर्सिटी पर टच करना है क्योंकि आप यूपी के स्टूडेंट हैं और यूपी के ही यूनिवर्सिटी में आप आरईटी के फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सबसे पहले MJP आर्य रोहिलखंड पे जाइए, और भी यूनिवर्सिटी यहाँ सब दे रखी है जो हमारे यूपी की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है उनको हमने यहाँ लॉन्च किया है, तो यहाँ आपको MJP पर टच करना है और टच करने के बाद में आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नोटिस, नीचे जाने के बाद में यहाँ देखो आप सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे, टाइम टेबल डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से आप नोटिस को देख पाएंगे, नोटिस पर जैसे टच करेंगे तो आपका नोटिस खुल जाएगा जो अभी हाल ही में आया है, आप देख सकते हैं 1 तारीख को एक नोटिस आया हुआ है जो शोध प्रवेश परीक्षा का है जो मैंने आपको अभी रिव्यू कराया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और यहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।